हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारे पास आईआईटी रेन 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 sin x + 3 cos x dx - 4 q cos2 x cos x dy = 0। फ्रेंड्स, पहले आईआईटी रेन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, अब ऑब्जेक्टिव आते हैं। बस बेसिक चेंज जो हुआ है, अब हमारे पास ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। क्वेश्चंस का जो बेस है, जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, वही क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास इसको सॉल्व करना है। तो पहले फ्रेंड्स हमें चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाले क्वेश्चन से इसको कंपेयर करना होगा। तो एम बराबर क्या है हमारे पास, 2 by sin x - 4 y³ cos²x। ये है हमारे पास, सॉरी m बराबर ये वाली टर्म है 3 y³ sin x cos x। तो यहां से हमारे पास डेल m अपॉन डेल y निकाले तो यह जाएगा हमारे पास 2 sin x - 12 y³ sin x cos x। ये हो गया हमारे पास डेल एम अपॉन डेल वाई। अब हमें निकालना है एन बराबर क्या है। एन बराबर देखें तो यहां से ये टर्म जो है एन है -4 y³ cos²x + cos x। अब यहां से डेल एन अपॉन डेल वाई निकाले तो यहां से जाएगा -12 y³ cos²x + डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 y³, और यहां से आ जाएगा हमारे पास ये 8 cos x sin x, क्योंकि जब cos 2 है cos square x होगा तो 2 cos x आएगा, उसका फिर cos x होगा sin x, और यहाँ पे -sin x। ये हो गया हमारे पास। तो माइनस से इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो सारे माइनस हट जाएंगे, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। अब ये टर्म आ चुकी है हमारे पास। अब फिर यहां से हम देखें डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स नहीं है, क्योंकि जैसे 2 sin x है तो यहाँ पे कहीं भी 2 sin x बनते हुए दिख रहा है। तो यहां से ये तो हमारे पास क्लियर हो गई, ये एग्जैक्ट नहीं है। अब इसे हमें एग्जैक्ट बनाना है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। इसमें जो हमें मेथड यूज करना है वो है हमारे पास डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स अपॉन एन, यानी ये यूज करना है हमें। तो यहां से हमारे पास जो फंक्शन आना चाहिए वो एफ एक्स आना चाहिए। अगर ये फंक्शन हमारे पास एफ एक्स आ जाता है तो ये हमारे पास ये मेथड यूजफुल होगा। अब देखते हैं हमारे पास डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स करते हैं तो क्या आता है। डेल एम अपॉन डेल वाई ये 2 sin x, और यहां से हमारे पास ये करते हैं तो हमारे पास 2 sin x में से 1 sin x कट जाएगा। तो यहां से अगर लिखे तो ये आ जाएगा हमारे पास sin x, क्योंकि इसमें से ये किया गया। अब इसमें देखते हैं 12 y³ sin x cos x, यहाँ पे 8 y³ sin x cos x, इसमें से इसको माइनस करना है। तो माइनस करने पे यहां पे ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -20, और ये हो गया cos x sin x, ये हो गया, और y³ ये हो गया हमारे पास। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस साइन था तो यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन आएगा। एम में जो ये प्लस साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये प्लस साइन है तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा। हमारे पास माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 + 4 y³ sin x cos x, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे अगर 1/n निकालना चाहें
तो मतलब वो एन एन से डिवाइड करना होगा, तो एन ये टर्म है हमारे पास, ये टर्म, तो ये टर्म है हमारे पास फोर वाई क्यूब कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स। अगर इस टर्म में से फिर से अगर इस टर्म में से हम साइन एक्स कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस फोर वाई क्यूब कोस एक्स, और अगर इसमें से हम कोस एक्स कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा हमारे पास वन प्लस फोर वाई क्यूब कोस एक्स, तो ये कट जाएगा और हमारे पास जो बच्चा वो बचा साइन एक्स अपॉन कॉन एक्स बराबर कोस एक्स बराबर टेन एक्स, तो ये हमारे पास आ गया टेन एक्स। अब टेन एक्स आ गया तो यहां से हम इसे इंटीग्रल फैक्टर निकाल सकते हैं। इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, e टू दी पावर एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर, और ये हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स एन यहां पे माइनस था, ये भी हमें ध्यान रखना है, माइनस वाला एन था, तो ये माइनस का टेन एक्स आएगा e टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, तो ये हो गया e टू दी पावर माइनस लॉग sec x, या यहां से इसको लिख सकते हैं हम e टू दी पावर लॉग cos x या cos x, तो इसका इंटीग्रल फैक्टर जो आया वो cos x आ गया। अब फिर इसका इंटीग्रल फैक्टर जब cos x आ गया था मतलब इसको cos x का मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें कोस एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गए टू वाई साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, और इसके साथ हम इसको लिख रहे हैं प्लस इस टर्म को, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस का साइन है माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी वाई, ये हो गया, और इस टर्म को और इस टर्म को साथ लिखते हैं तो प्लस थ्री वाई फोर साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कोस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी एक्स माइनस, अगर इसका देखो तो फोर वाई क्यू कोस क्यू एक्स एंड डी वाई, ये हो गया हमारे पास। अब अगर इस टर्म को माइनस साइन कॉमन ले लें तो यहां प्लस यहां माइनस, और इस तरह से यहां पे ले लें तो ये प्लस और ये माइनस, ये टर्म जो है प्लस हो जाएगी, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। यहां पे हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहां पे माइनस आएगा और यहां पे भी माइनस आएगा, ये हो गया हमारे पास। अब अगर इसको देखें तो माइनस डी ओवर कोस स्क्वायर एक्स डॉट वाई, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि जब डी और कोस स्क्वायर करेंगे तो टू साइन एक्स कोस एक्स माइनस का साइन डॉट वाई, ये आ गया। तो इसी तरह से ये वाई टर्म भी, इस वाई टर्म को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं y4 cos qx equal to 0, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास यहां पे माइनस साइन था, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x डॉट y माइनस y टू दी पावर 4 cos qx प्लस इक्वल टू c, तो ये बात फ्रेंड्स हमारे पास इसका इंटीग्रल आ गया, लास्ट फाइनल इंटीग्रेशन जो है इसका इस तरह से आ गया। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।